हमारे साथ हमारे दोनों सहयोगी भास्कर मिश्रा सिविक सेंटर से जुड़े हुए हैं, कुमार सोनू भी यहीं पर मौजूद हैं। पहले तो भास्कर ये बताएं कि आज क्या शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हो पाएगा, स्टैंडिंग कमेटी बन पाएगी, ऐसे कोई आसार दिखाई देते हैं? देखिए, चुनाव संपन्न होना एक अलग मुद्दा है और साथ में स्टैंडिंग कमेटी बनना एक अलग मुद्दा है। सबसे पहले हम चुनाव की बात करते हैं तो बहुत कम उम्मीद है कि आज भी शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हो जाए। कारण पिछली बैठक में ही मेयर ने ये क्लियर कर दिया था कि रेखा शर्मा और साथ में अमित नागपाल के ऊपर में कार्रवाई होगी, वीडियो फुटेज देखा जाएगा और उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। और कार्रवाई के नाम पे यहाँ पे एमसीडी में 15 दिन का सस्पेंशन होता है और अगर 15 दिन के लिए उनको सस्पेंड कर दिया जाता है तो वो वोट नहीं डालेंगे और भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करेगी। वोट सारा मामला ही ये 2 से 3 वोट का है। अगर भारतीय जनता पार्टी का 2 वोट इनवैलिड हो जाता है या कि वो नहीं डाल पाते हैं वोट, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी होगी। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बेकरी की शुरुआत की है क्या? ऐसा है तो आपकी जो केक्स हैं उनको 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। स्टैंडिंग कमेटी के 3रे सदस्य को जिताने के लिए, लिहाजा वो लोग इस बात का विरोध करेंगे और किसी भी तरह से ये मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। दूसरा मसला ये है कि फिर से भारतीय जनता पार्टी अपनी पुरानी मांग पे अड़ी है कि चुनाव जो यहाँ पे होगा वो 1 नंबर से शुरू होगा। ऐसा नहीं होगा कि 47 मेंबर्स जो पहले ही वोट कास्ट कर चुके हैं उसके बाद वोटिंग शुरू होगी। हालांकि ये माना जा रहा है कि बैलेट पेपर जब चेंज होगा तो उसके बाद नई प्रक्रिया शुरू होगी और 1 नंबर से वोट किया जाएगा। मोबाइल का मामला अभी भी है कि पोलिंग बूथ के अंदर में कोई भी मेंबर मोबाइल लेके नहीं जा सकते, ये सीक्रेट वोट जो है उसका वायलेशन है। और इसके साथ साथ सारा मामला जो है वो ऐसा चल रहा है कि कोई एक सदस्य दूसरे पार्टी के लिए वोट ना करें, ये कोशिश ये है कि किसी भी तरह से उनको रोका जाए और इस लिहाज से बहुत आसानी से ये बात भी नहीं मानी जाएगी। डैमेज तो हो चुका है क्योंकि आज सुबह सुबह ही एक पार्षद जो आम आदमी पार्टी के पवन शेरावत वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो डर तो लगता है कि जायज ही है। शायद यही वजह है कि मोबाइल फोन को अलाउ किया गया है। कुमार सोनू भी हमारे साथ जुड़े हैं जो सिविक सेंटर के उस जगह पर मौजूद है जहां से एंट्री हो रही है तमाम पार्षदों की। कुमार सोनू, जरा तस्वीरें दिखाएं फिलहाल किस तरह का माहौल है वहां पर, क्योंकि कल देखा गया था बड़ी तादाद में वहां पर सीआरपीएफ के जवान तैनात थे, सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही चुस्त दुरुस्त रखी गई थी, आज क्या तस्वीर नजर आ रही है? देखिए बिल्कुल अमित, आपको तस्वीरें मैं सबसे पहले दिखा दूं, ये सिविक सेंटर की तस्वीरें हैं। आप देखिए कि जो एंट्री गेट है वहां पर सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। एक एक शख्स को अंदर जो है आई कार्ड देख के ही जाने दिया जा रहा है। खासतौर पर जो पार्षद हैं उनके वार्ड नंबर चेक किए जा रहे हैं, उनके आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं, उसके बाद ही उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा है। फिलहाल आज स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होना है और मैं आपको बताऊं अमित कि स्टैंडिंग कमेटी जो है वो सबसे पावरफुल कमेटी होती है, क्योंकि जो भी फाइनेंशियल पावर है वो स्टैंडिंग कमेटी के पास होती है। तकरीबन 15,000 करोड़ के करीब का एमसीडी के पास बजट होता है और उसमें कौन सा कितना पैसा कहां पर किस प्रोजेक्ट पर खर्च होगा वो तमाम पावर जो है वो स्टैंडिंग कमेटी के पास होती है। तो ऐसे में स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के लिए जो है या मेंबर्स के लिए जो चुनाव होना है उसमें हंगामा होना, उस दौरान हंगामा होना बेहद लाजमी है। फिलहाल बीजेपी के पार्षद भी पहुंचे हैं, हालांकि जो रेखा गुप्ता है, जयप्रकाश जो बीजेपी के सीनियर लीडर हैं दिल्ली नगर निगम में, उनकी तरफ से साफ कहा गया है कि हंगामा उनकी तरफ से नहीं किया जा रहा। हालांकि तस्वीरें जो है दोनों ही पक्षों की हम लोगों ने देखी थी और बिल्कुल शर्मनाक तस्वीरें थी जिसमें पार्षद आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे से बदतमीजी कर रहे हैं, बदसुलूकी कर रहे हैं, तमाम तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही है। फिलहाल आज स्टैंडिंग कमेटी के लिए चुनाव होना है तो वहीं रेखा गुप्ता ने कहा कि जो वोटिंग है वो शुरू से होनी चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, रस्साकशी तो ये अभी भी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों के बीच में दिखाई देनी है, ये तो तय नजर आ रहा है। लेकिन भास्कर, नियम जो भी बनते हैं वो तो शुरू से बनते हैं ना, या बीच में कार्रवाई के दौरान भी नियम बदलते चलते हैं? क्योंकि जो अभी की तस्वीर भीतर की देखने को मिल रही है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कई बार ऐसा लगता है भास्कर की मेयर की भी सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है क्योंकि भरोसा नहीं है मेयर पर। देखिए मीनाक्षी, ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि क्रॉस वोटिंग नहीं हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। और हमने आज से पहले भी देखा है कि पोलिंग बूथ के अंदर पहले भी मोबाइल लेके लोग जाते थे, लेकिन जिस तरह की प्रक्रिया इस बार अपनाई जा रही कि हर मेंबर वोट कास्ट करने के बाद फोटो खींच के भेजे, जैसा कि आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है कि जो पहले आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने वोट कास्ट किया है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बेकरी की शुरुआत की है क्या? ऐसा है तो आपकी जो केक्स हैं उनको 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। उन्होंने फोटो भेजा था, इसको लेके परेशानी है। नियम की अगर बात करें तो चेयर के हिसाब से जो नियम बनाया जाता है वो मान्य होता है और ये तय है
कि इस चुनाव से पहले जो मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ था तो उसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया, जब ये बात हुई थी कि कोई मोबाइल लेके नहीं जाएगा तो आम आदमी पार्टी के जो नेता सदन है उन्होंने ये कहा कि मोबाइल के साथ साथ पेन भी ले जाना अलाउ नहीं कीजिए, और इस बात को मान ली गई और सदन में सब ने एक मत से ये कहा कि ठीक है मोबाइल और पेन लेके कोई भी पोलिंग बूथ के अंदर नहीं जाएगा। लेकिन वही जब स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव का मसला आया तो मेयर जो सैली तो मिलाकर भास्कर एक बात सदन क्लियर है क्योंकि सबको पता है कि पावर कहां पर है, मीनाक्षी पावर सबको पता है कि स्टैंडिंग कमेटी के पास है और इसी वजह से सबसे ज्यादा जद्दोजहद लगी है कि जो कमेटी है उसमें किसका आधिपत्य हो किसका वर्चस्व हो, क्योंकि 5 साल तक तो यही रहेंगे, यही पावर जरा जनता के काम करने में भी दिखा दें तो क्या बात होती। बहुत शुक्रिया भास्कर कुमार आपका, आप लगातार नजर बनाए रखें, वहां की तस्वीरें हम आगे भी दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।